नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। कृषि स्नातकों ने आजीवन नशा मुक्त रहने का लिया संकल्प। चंद्रभानु गुप्त कृषि महाविद्यालय बीकेटी पहुंचा नशा मुक्ति का अमृत कलश। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हुई नशा मुक्त संकल्प सभा। चंद्रभानु गुप्ता कृषि महाविद्यालय बीकेटी में विश्व तंबाकू निषेध दिवस एवं अहिल्याबाई होलकर की जयंती के अवसर पर नशा मुक्त संकल्प सभा का आयोजन किया गया। यहां आज नशा मुक्त समाज आंदोलन की टीम नशा मुक्ति का अमृत कलश लेकर पहुंची थी। इस नशा मुक्त संकल्प सभा में बीएससी कृषि के स्टूडेंट्स एवं टीचर्स ने हिस्सा लिया। महाविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर वाईके शर्मा एवं कोऑर्डिनेटर अजय सिंह भदौरिया की उपस्थिति में बच्चों ने आजीवन नशा मुक्त रहने का संकल्प लिया। विद्यार्थियों ने वादा किया कि वे आज से नशा मुक्त सेनानी बनकर समाज में नशे के प्रति जागरूकता लाएंगे। नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के प्रांतीय सह संयोजक नागेंद्र बहादुर सिंह चौहान ने विद्यार्थियों को नशे की तमाम बुराइयों से परिचित कराया। नागेंद्र ने कृषि स्नातकों को जीवन पर्यंत नशा मुक्त रहने के कुछ गुरु मंत्र दिए। वहीं कॉलेज के निदेशक प्रोफेसर शर्मा ने आश्वासन दिया कि वे अपने महाविद्यालय को पूर्ण रूप से नशा मुक्त रखने का प्रयास करेंगे। इस सभा में प्रांतीय संयोजक अनिल कुमार अग्रवाल की तरफ से महाविद्यालय के पदाधिकारियों एवं आचार्यों को आंदोलन का अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया गया, जबकि सभी विद्यार्थियों को अभियान के लाल पत्र वितरित किए गए। इसमें प्रदेश संयोजक के प्रतिनिधि अभिषेक अवस्थी व नशा मुक्त सेनानी अनुपम शुक्ला विशेष रूप से उपस्थित थे। तंबाकू निषेध दिवस पर बंद रही पान मसाले की दुकानें। नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का के नशा मुक्त सेनानियों के आग्रह पर 31 मई को अनेकानेक पान मसाले की दुकानें बंद रही। आंदोलन के प्रदेश संयोजक अनिल कुमार अग्रवाल एवं सह संयोजक नागेंद्र बहादुर सिंह चौहान के नेतृत्व में तंबाकू निषेध पर अभियान चलाया गया। प्रदेश संयोजक के प्रतिनिधि अभिषेक अवस्थी व नशा मुक्त सेनानी अनुपम शुक्ला ने कल 30 मई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस एवं अहिल्याबाई होलकर जयंती की पूर्व संध्या पर बीकेटी इलाके में कई दुकानों पर जाकर दुकानदारों को फूलों की माला पहनाकर आग्रह किया था कि वे 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस पर एक दिन के लिए तंबाकू उत्पादों की बिक्री ना करें। आज बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस पर उसका परिणाम देखने को मिला। नगर पंचायत बीकेटी में मोतीलाल, सुनील यादव, सुमित वाल्मीकि, पिंकू सिंह व सीताराम शर्मा सहित अन्य कई दुकानदारों ने अपनी तंबाकू पान मसाले की दुकानें बंद रखी। वहीं छोटी बाजार में स्थित दीपू टी स्टॉल के मालिक दीपक गुप्ता ने आंदोलन के प्रांतीय सह संयोजक नागेंद्र बहादुर सिंह चौहान के आग्रह पर तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, खैनी इत्यादि की बिक्री तत्काल बंद कर दी। नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का की तरफ से केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री न करने वाले दुकानदारों को धन्यवाद ज्ञापित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ। खबरों में अब तक बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।